हेलो गाइस, मैं स्कोतम। गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ न्यू जीएसटी रिटर्न एंड एक्सर वन हम कैसे रिटर्न फाइल करें। और गाइस, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा जो एन एक्सर वन है वो जीएसटी आप वन रिटर्न फाइल है या 3B फाइल है। तो गाइस, जो अब हम रिटर्न फाइल करते हैं वो जीएसटी आप वन और 3B करते हैं। तो गाइस, जो हमारा एन एक्सर वन है वो कौन सी रिटर्न फाइल है। तो गाइस, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और गाइस, यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूं जो आप एनएक्सर वन रिटर्न है वो किस प्रकार तैयार करेंगे और किस प्रकार रिटर्न फाइल करेंगे। तो गाइस, जैसे कि हमारा अप्रैल 20 से न्यू जीएसटी रिटर्न एनएक्सर वन हमें रिटर्न फाइल करना होगा। तो गाइस, इसके लिए आपको पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। तो गाइस, हम जो रिटर्न फाइल करेंगे वो किस प्रकार करेंगे। तो गाइस, आपको सबसे पहले अपने पोर्टल पर जाना है और यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो गाइस, आपको जो जाना है ये जाना है सर्विसेज पर। जैसे ही आप सर्विसेज देंगे, आपको जाना है रिटर्न में। रिटर्न में जाने के बाद आपको न्यू जीएसटी रिटर्न ट्रायल में जाना है। तो आपको रिटर्न में जाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद न्यू रिटर्न ट्रायल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जो कि आएगा आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसको ऐड करना है। आपको मंथली करना है या क्वार्टरली करना है। तो गाइस, इसमें जैसे कि हमारा प्लीज़ प्रोवाइड आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रिपेयर योर डैशबोर्ड इफ़ यू नीड हेल्प टू सिलेक्ट योर रिटर्न क्लिक हेयर। तो गाइस, आपको अपने अनुसार इसमें क्लिक करना है येस या नो पर। तो गाइस, इसमें जैसे कि हमारा पहला है विश योर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹5 करोड़। यदि गाइस आपकी प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम आपकी टर्नओवर है तो उसके लिए आपको यस या नो पर क्लिक करना है। यदि आपकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आपको यस करना है, अन्यथा आप इसे नो कर देंगे। यदि आप इस पर यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सहज सुगम और क्वार्टरली नॉर्मल के जो कॉलम है वो बंद हो जाएंगे। यदि आप नो पर करते हैं, नो पर भी ये ऑप्शन बंद हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पर हम क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़, यदि आपकी 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा आप इसे नो कर देंगे। तो गाइज़, इसको हम यस कर देते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारी 5 करोड़ से या 5 करोड़ से कम हमारी प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अब गाइस, उसके बाद इफ़ रिप्लाइज यस और सीएल नंबर 1 डू यू इंटेंड टू द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब गाइस, यदि आप इसे क्वार्टरली बेसिस पर करेंगे तो आपके तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। और गाइस, जैसे कि हमारा सहज सुगम और क्वार्टरली नॉर्मल, तो गाइस मैंने इसके लिए पहले से ही एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब गाइस, जैसे हम इसको यस पर करेंगे तो हम इसे क्वार्टरली सिलेक्ट कर पाएंगे। यदि हम नो पर कर देंगे तो ये ऑप्शन भी हमारा बंद हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यदि ऊपर वाला ऑप्शन नो कर दिया है तो ये हमारे ऑप्शन बंद हो गए हैं। यदि हम यस पर करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे सेकंड ऑप्शन, यदि आप यस कर देंगे तो ये हमारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो गाइस, जो पहला ऑप्शन है इसको यस कर देंगे और सेकंड को नो कर देंगे तो हम इसमें मंथली रिटर्न फाइल सिलेक्ट करते हैं अपनी प्रोफाइल में। अब गाइस, यू विल बी फाइलिंग योर रिटर्न्स एट मंथली
फ्रीक्वेंसी एंड टाइप ऑफ रिटर्न ऑफ जीएसटी, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो गाइस इसको हम यस कर देंगे। अब जो हमने सिलेक्ट की है अपने अनुसार वो हमने मंथली की है, तो इसे हम यस कर देंगे। यस करने के बाद जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, पहले हमें फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेना है इसमें, जैसे कि हमारा 19-20 है और रिटर्न फाइलिंग पीरियड, तो इसमें जैसे हमारा दिसंबर हम रिटर्न फाइल करेंगे। फिर इसके बाद है फॉर्म रिटर्न्स जीएसटी एनेक्सर 1 एनेक्सर ऑफ सप्लाइज जीएसटी एनेक्सर 2 एनेक्सर ऑफ इन्वर्ट सप्लाई। तो गाइस एनेक्सर 1 हम इसमें रिटर्न फाइल करेंगे और गाइस जो एनेक्सर 2 होता है ये हमारा GSTR 2A की तरह ही होता है। तो गाइस इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसे हम अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अभी हम फिलहाल ऑनलाइन ही इसको रिटर्न फाइल करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद इसे हम प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो भी हमारी सप्लाई है, जैसे कि हैव यू मेड B2C सप्लाई टेबल 3A, यदि गाइस आपकी B2C सप्लाई है तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे। अब सेकंड में हैव यू मेड B2B सप्लाई टेबल 3B, तो गाइस यदि आपकी B2B भी सप्लाई है आउटवर्ड सप्लाई तो आप इसे यस कर देंगे। फिर उसके बाद हैव यू मेड एक्सपोर्ट विद विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टेबल 3A 3CD, तो गाइस यदि आपकी ये वाली सप्लाई है तो आप इसे यस कर देंगे अन्यथा नो कर देंगे। तो गाइस ये हमारी B2C और B2B सप्लाई है तो इसको हम यस कर देते हैं और सभी को नो कर देंगे। जैसे कि हमारी ये है हैव यू मेड सप्लाई टू SEZ यूनिट ऑफ SEZ डेवलपर्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो गाइस इसको भी हम नो कर देते हैं। तो गाइस मैंने जितने भी ये सभी टेबल हैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। मैंने सभी जितनी भी हमारी इसमें टेबल्स हैं उसको विस्तार पूर्वक समझाया है। तो गाइस जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है आपको अपने अनुसार जो भी इसमें आप ऐड करेंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी जैसे कि हमारी हैव यू मेड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो आपकी ये वाली सप्लाई है तो आप इसे यस कर देंगे। तो इसमें सभी हमारी टेबल्स दी हुई हैं, तो गाइस आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम इसे नो कर देते हैं। अब गाइस उसके बाद हैव यू मेड एनी सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 52। तो गाइस यदि आपकी ई कॉमर्स है तो आप इसे यस कर देंगे अन्यथा इसे नो रहने देंगे। तो गाइस इसमें हमारी B2C और B2B हमारी सप्लाई है जो हम रिटर्न फाइल करेंगे एनेक्सर 1, तो सभी को हमने नो कर दिया है। B2C और B2B को हमने यस किया। अब इसके बाद आपको टिक मार्क करके इसे नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइस आपको जो इसमें टेबल दिखाई देंगी वो देंगी B2B और B2C, क्योंकि हमने दो ही इसमें सिलेक्ट किए हैं 3A और 3B। अब गाइस जो हमारी B2B वाली है अब इसमें हम अपना इनवॉइस ऐड करेंगे। तो इसमें पहला कॉलम है डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, यदि आप डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट है तो इस पर क्लिक कर देंगे अन्यथा आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब गाइस सप्लाईज वो सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, यदि गाइस आप अदर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पर टिक मार्क करेंगे। तो गाइस जो हम इसमें इनवॉइस ऐड करेंगे वो हमारी अदर स्टेट सप्लाई है, तो इसलिए हमने इसको टिक मार्क किया है।
अब हम इसमें गाइस अपना GSTN नंबर डाल देते हैं जो हम इनवॉइस इसमें ऐड करेंगे, 07BIC PS 3632 R1Z0। तो गाइस हमने जैसे ही इसमें अपना GSTN नंबर डाला, डालने के बाद इसमें ट्रेड और लीगल नेम में इसमें पार्टी का नाम आ गया है, किट्स जो है। अब गाइस उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में आप सिलेक्ट कर लेंगे आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या इनवॉइस है। तो गाइस ये हमारा इनवॉइस है तो हम इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। अब डॉक्यूमेंट नंबर, तो गाइस अब हम इनवॉइस नंबर इसमें डाल देंगे, जैसे कि हमारा इनवॉइस नंबर 563 है। अब डॉक्यूमेंट डेट, अब जो इनवॉइस की डेट है वो इसमें हम डाल देंगे 7/12/2019। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वैल्यू, तो इनवॉइस वैल्यू डालेंगे 10,584 हमारी इनवॉइस वैल्यू है। अब उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे हमारी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये है दिल्ली की, तो हम इसमें अपना प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट करेंगे दिल्ली। करने के बाद सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, तो गाइस इसमें ऑलरेडी यस होकर आ रहा है क्योंकि ये हमारी अदर स्टेट सप्लाई है, तो इसमें नो का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारी अदर स्टेट सप्लाई है। अब गाइस उसके बाद आपको ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अभी ये हमारा जो इनवॉइस इसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब उसके बाद HSN कोड डालना है। गाइस इसका हमारे पास HSN कोड नहीं है, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब गाइस उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू 9,450 रुपये, टैक्स रेट कितने परसेंट है हमारा 12%, जो हम इनवॉइस में ऐड कर रहे हैं वो है 12%, तो इसमें IGST ऑलरेडी इसने डिडक्ट कर लिया 1,134 रुपये। और इसमें सेस हमारा नहीं है, इस कॉलम को ऐसे ही रहने देंगे। सेव डॉक्यूमेंट, तो सेव डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे। सेव रिक्वेस्ट एक्नोलेज्ड, तो इसमें अब हमने सेव कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे हमारा एक इनवॉइस इसमें आ गया है किट्स जॉय का। तो गाइस इस इनवॉइसेस को जैसे कि स्टेटस में इन प्रोग्रेस प्रोसेसिंग आ रहा है। अब गाइस उसके बाद चलते हैं अपनी B2C पर, जो हमने बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर जो सेल की है उसको हम डालेंगे, वो है हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कि ऐड डॉक्यूमेंट आ गया है, डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट है तो इस पर क्लिक कर देंगे, अन्यथा इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब उसके बाद है सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, तो ये हमारा IGST, हमारी आउटवर्ड जो सप्लाई है वो अदर स्टेट नहीं है, ये लोकल है, ये उत्तर प्रदेश की है, तो हम उत्तर प्रदेश इसमें सिलेक्ट करेंगे, हमारी लोकल सप्लाई है। अब उसके बाद ऐड डिटेल्स, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे इसमें, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो है 50,000 रुपये, टैक्स रेट है 12% और इसने सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स इसमें डिडक्ट कर लिया है 3,000 रुपये। अब गाइस सेव डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब ये जो इनवॉइस है इसको हम सेव करेंगे और सेव डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेव रिक्वेस्ट एक्नोलेज्ड, तो ये हमारी जो डिटेल है ये सेव हो जाएगी। जैसे कि हमारी नीचे ये इनवॉइस आ चुका है जो हमारा B2C हमने सेल की है।
तो गाइस जैसे कि स्टेटस हमारा इन प्रोग्रेस प्रोग्रेस में है अभी, अब गाइस उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने B2B और B2C जो हमारी सेल थी, जैसे कि हमारी B2B और B2C सेल थी हमने इसमें ऐड कर दी है, जो कि हमारी कुछ मिनटों में ये सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमने B2B और B2C जो हमारी सेल थी आउटवर्ड सप्लाई थी वो हमने इसमें सेव कर दी है। तो इसमें पेंडिंग रिकॉर्ड्स में हमारे आ रही है। अब गाइस उसके बाद बैक करेंगे, बैक करने के बाद हम इसके बाद हम व्यू कंसोलिडेटेड पर क्लिक करेंगे। करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो भी हमारी आउटवर्ड सप्लाई है वो इसमें आ जाएगी अलग अलग, जो भी हमने इसमें ऐड करी है। अभी गाइस इसमें फ़िलहाल आ नहीं रही है क्योंकि अभी हमारी जो इनवॉइस है वो इसमें सेव नहीं हुए हैं। तो ये हम रिटर्न के बाहर आ चुके हैं, तो इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा रिटर्न फाइलिंग पीरियड में दिसंबर एन एक्सर वन और इसमें हमारी ऑनलाइन। अब इसके बाद गाइस इसको आप जो हमारी एन एक्सर वन की समरी है आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF में, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो PDF फाइल है एनेक्सर वन की समरी की ये हमने सेव कर ली है। अब आपको मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये GST एनेक्सर वन की PDF फाइल में हमारी आ चुकी है, ये सेव हो चुकी है। तो आप इसको जो GST एनेक्सर वन की समरी है इसको PDF फाइल में भी सेव कर सकते हैं। अब गाइस इसके बाद अभी हमने एक मिस्टेक कर दी थी, हमको व्यू कंसोलिडेटेड समरी के नीचे जो हेयर है इस पर क्लिक करना है, तो समरी जनरेशन इन प्रोग्रेस। तो गाइस ये जो हमारी समरी है वो इसमें अपडेट हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी व्यू समरी पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी B2C 50,000 की टैक्सेबल वैल्यू थी और उस पर हमारा 6% CGST और 6% SGST था, तो इसमें हमारी ऐड हो चुकी है जो व्यू समरी पर हमने क्लिक किया है। और हमारी जो B2B हमने सेल की थी वो भी इसमें आ चुकी है, तो इस पर हमारा 3,000 रुपये CGST और 3,000 रुपये SGST और हमारी सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B इस पर 9,450 की टैक्सेबल वैल्यू थी और इस पर हमारा IGST था 1,134 रुपये। तो गाइस ये हमारी इसी प्रकार आपको ऐड करनी है। गाइस ये था ट्रायल वर्ज़न, तो इसमें हमारा अभी रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो गाइस आपको जो एनेक्सर वन तैयार करनी है या आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो ऐड करनी है तो आपको इसी प्रकार करनी है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो गाइस आपको इसी प्रकार ही अपनी एनेक्सर वन रिटर्न फाइल करनी है।
तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।